गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी गार्डन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने सूखे हुए तुलसी के पौधे को फिर से हरा भरा कर सकते हैं और आखिर क्या वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से पौधा सूख जाता है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मेरा एक तुलसी का पौधा है और अगर जल्द इसकी केयर ना की जाए तो ये भी सूख जाएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसकी सॉइल कितनी बेकार हो चुकी है ओवर वाटरिंग की वजह से। तो आप भी सबसे पहले अपनी सॉइल चेक कर लीजिए। उसके बाद सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपका पौधा पूरी तरीके से सूख चुका है या अभी उसके चांसेस हैं बचने के। तो मेरे पौधे में तो अभी मतलब पत्तियाँ हैं, पर आप अपने को चेक कर लीजिए। तो आप चेक करने के लिए सबसे पहले इसकी नीचे के हिस्से पर हल्का सा अपने नाखून से खुरच के देखिए। अगर आपको इसमें हरापन दिखाई दे तो आप समझ जाइए आपके पौधे के बचने के चांसेस अभी हैं। तो सबसे पहले तो आप ये चेक करने के बाद में अपने सूखे हुए पौधे की जो सबसे ज़्यादा सूखी हुई ऊपर की टहनियाँ हैं उनको आप कट कर दीजिए, उन ब्रांचेस को आप निकाल के अलग हटा दीजिए, क्योंकि ये अगर लगी रहेंगी तो प्लांट्स को और ज़्यादा इन्फेक्शन होता रहेगा। तो इनको तो आप कट करके हटा ही दें इनको आप। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको करनी है, पौधे की जड़ में आधा चम्मच आपको हल्दी डाल देनी है। पौधे की जड़ पे आधा चम्मच हल्दी उसके चारों ओर डाल दीजिए, इससे इसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो भी होगा वो कम हो जाएगा। उसके बाद जो सबसे दूसरी चीज़ जिसका हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो है इसके न्यूट्रिशन का। तो तुलसी के पौधे के लिए सीवीड एक्सट्रैक्ट सबसे ज़्यादा बेहतरीन न्यूट्रिशन है। तो आप 2 चम्मच सीवीड एक्सट्रैक्ट को करीब 200 ml पानी में मिलाकर इसको 15 दिन दे सकते हैं। और साथ ही वर्मी कंपोस्ट इसके लिए सबसे बेहतरीन खाद है तुलसी के लिए। आप इसमें 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पौधे की मिट्टी सॉइल जो है अपर लेयर बहुत ज़्यादा खराब है तो आप इसकी गुड़ाई ज़रूर करिए। और वैसे भी तुलसी के पौधे की आप 15 दिन पर गुड़ाई ज़रूर करिए, इससे भी आप इसके सॉइल में होने वाले इन्फेक्शंस को रोक सकते हैं। और इसके बाद अपन अपने प्लांट को अगर वाटर की नीड है तो थोड़ा सा पानी देकर आप उसको सेमी शेड एरिया में रख दीजिए और 10 से 12 दिन के अंदर उसमें छोटी छोटी पत्तियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये था तरीका सूखी हुई तुलसी को बचाने का। और अब बात करते हैं इसकी जनरल केयर के बारे में। तो इस प्लांट में आप ओवर वाटरिंग बिल्कुल मत करिए, नमी देखकर उंगली से छूकर ही इसमें पानी दीजिए। और इसको बहुत ज़्यादा पानी की नीड होती भी नहीं और इसे पसंद भी नहीं है बहुत ज़्यादा पानी। साथ ही इसको सुबह की 2 से 3-4 घंटे की धूप पर्याप्त है। और उसके अलावा अगर आपका पौधा बहुत बालकनी या ऐसी जगह पर रखा जहाँ पूरे दिन धूप में है तो फिर आपका पौधा हो सकता है नीचे से हीट कर रहा हो। तो आपको इसके नीचे कोई टाट का या जूट का बोरा या फिर आपको कुछ ईंट वगैरह या लकड़ी लगानी पड़ेगी जिससे ये हीट ना हो, क्योंकि हीटिंग होकर भी जो जड़ों को शॉक लगेगा उससे भी पौधे अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। अगली जो सबसे ज़रूरी चीज़ है और जिसका हमें जनरल अपने रूटीन में ध्यान रखना होगा वो है इस पौधे के जो हमारे गमले में लगे हैं उनमें से इसकी पत्तियां और सूखी छोटी छोटी टहनियों को आप हटाते रहिए, क्योंकि इसी में आप अगर पानी डालते रहेंगे तो इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। तो आप इनको रेगुलर बेस पर साफ़ करते रहिए और ये इसी में नहीं ज़्यादातर प्लांट्स में आप इनकी सफाई रेगुलर करते ही रहिए। साथ ही 10 से 15 दिन के गैप से आप इसकी गुड़ाई करते रहिए, गुड़ाई से इसकी जड़ें हेल्दी रहेंगी और फंगल इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। साथ ही जैसा मैंने बताया इसके न्यूट्रिशन के लिए सबसे अच्छा है वर्मी कंपोस्ट और उसके साथ ही सीवीड एक्सट्रैक्ट जो है वो आप 2 चम्मच करीब 250 ml पानी में मिलाकर इसमें 15 या 20 दिन दे सकते हैं। वहीं 1 से 1.5 मुट्ठी आप वर्मी कंपोस्ट इसको दीजिए। एक और ज़रूरी चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, अपने पौधे से ये मंजरी जो इसके सीड्स होते हैं इनको अलग करते रहिए। ग्रीन वाले जो होते हैं वो तो आप पिंच करके भी हटा सकते हैं, पर जो ये सूख जाते हैं पक जाते हैं इनको आप सीजर से या फिर सिकेटियर से कटर से इनको कट करके अलग करते रहिए, वरना पौधा सारा अपना जो न्यूट्रिशन है वो इन्हीं को देता रहेगा और प्लांट्स डेवलप नहीं करेगा। तो और आप यहाँ से कट करेंगे इसको वहाँ से ये नई ब्रांच लेगा, प्लांट बुशी बनेगा आपका, घना बनेगा और प्लांट मरेगा नहीं फिर आपका जल्दी।
अगर आपको प्लांट से सीड चाहिए ही है तब तो अलग बात है, वरना इसको आप रेगुलर बेस पे हटाते रहिए, आपका प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा और उसकी लाइफ साइकिल भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इसके साथ ही आपको तुलसी की पत्तियों पे इस तरीके के काले धब्बे या छोटे छोटे कीड़े आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं गर्मी के मौसम में, तो इसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए इन पर, और आप अपने पौधे को चौथे पाँचवें दिन शाम को धुलिए ज़रूर, उससे काफ़ी हद तक ये चीज़ कम हो जाएगी, और अगर फिर भी रहती हो तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए। तो फ्रेंड्स, कैसे आप अपने सूखे हुए तुलसी के प्लांट्स को फिर से हरा कर सकते हैं और कैसे आप अपने तुलसी के प्लांट्स की जनरल केयर कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, तो आप इनको फॉलो करिए, आपके प्लांट्स को ज़रूर बेनिफिट होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके प्लांट को बेनिफिट हुआ हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और प्लांट्स की केयर टिप्स के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।